उस्मान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल हंगरी ट्रैवलर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पिशावर के इलाके सदर में, जो मसरूफ़ शाहरा है उस पर मौजूद हूँ। और जब हम यहाँ से गुजरते थे तो हमारी नज़र पड़ती थी एक पोटैटोज़ पे, लेकिन हमें आज इसका सही नाम पता चला कि इस दुकान की शॉप का नाम है आलू पोटैटोज़। आलू पोटैटोज़ आजकल यानी 20 दिन से जब से खुली है तो पिशावर में बहुत मशहूर है। तो हमने देखा कि ये पोटैटोज़ की दुकान है, तो इसकी नाम की इनकी ऑब्जर्वेशन भी उन्होंने हमें बताई कि ये आलू पोटैटोज़ है। आलू पोटैटोज़ किस तरह है अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो पोटैटोज़ जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है अलिफ मद आ लाम वाओ, यानी पोटैटोज़ को इन्होंने आलू कर दिया है। तो ये लोडेड फ्राइज़ हैं और इन्होंने इसकी कौन कौन सी वैरायटी जो है वो मुतारिफ़ कराई है, तो सलमान भाई ने हमें तमाम तर तफसील आप बताई है, तो वो हम आपको इस वीडियो में दिखा भी रहे हैं। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। मैं इन फ्राइज़ को चख के, क्योंकि इसमें मैंने कबाब भी अपने लिए डलवाए हैं स्पेशली, इसमें फ़्राइज़ भी हैं, तो मैं ये चख के आपको रिव्यू दूंगा कि जायके में तो ये इंतहाई बेहतरीन है। ये लोडेड फ्राइज़ हैं विद कबाब। कबाब फ्राइज़ आपने आज तक मेरे हिसाब से तो नहीं खाए होंगे, लेकिन ये यहाँ पिशावर में मिल रहे हैं। इसके लिए आपने घर से निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जो नहीं निकल सकते वो फूड पांडा के थ्रू ऑर्डर कर दें। पर आया था यहाँ पे पाकिस्तान, तो सोचा कज़न के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे। जब मार्केट सर्वे किया तो हमें पता लगा कि यहाँ पे लोडेड फ्राइज़ वगैरह का काम नहीं है सच। हमने कहा चलो ठीक है, इसी के ऊपर काम करते हैं। खैर हम वर्क करते रहे इस पर एंड वी केम टू अ कंक्लूजन कि हम यहाँ लोडेड फ्राइज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं पेशावर में। फिर प्लानिंग हुई कि अंदर का इंटीरियर किस तरह होगा, डिस्पेंसिंग किस तरह होगी, क्योंकि लोडेड फ्राइज़ डिफरेंट क्वालिटीज़ में आती है, प्राइसिंग किस तरह रखेंगे ताकि एंड यूज़र हो, मतलब यू नो हाई एंड यूज़र भी हो उसको भी मिल सके, मिडिल क्लास को भी एंड इवन द लोअर क्लास। लाइक डिज़ाइनिंग की हद तक हमने इम्पोर्ट करवाएं, वी आर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान जिसने ये डिस्पेंसर्स इम्पोर्ट किए बहरीन रेंज से। ईच डिस्पेंसर इज़ फॉर अराउंड $125, जो कि लगभग 30-35,000 का बनता है तकरीबन। इसके अलावा शिपिंग कॉस्ट दी है। तो एज़ पर द कंपनी देमसेल्फ वी आर द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान टू इम्पोर्ट दिस। अच्छा, उसके बाद फिर वी वर्क ऑन अ सेटअप। हम एक छोटा सेटअप स्टार्ट करना चाह रहे थे, वी नेम्ड इट आलू पोटैटो, आलू इन उर्दू एंड पोटैटो इन इंग्लिश। हमारे पास उसमें 3-4 ऑप्शंस हैं। वी आर बेसिकली इंस्पायर्ड फ्रॉम न्यूयॉर्क फ्राइज़। न्यूयॉर्क फ्राइज़ इज़ अ वर्ल्ड क्लास ब्रांड जहाँ पे आपको लोडेड फ्राइज़ मिलते हैं विद वेरिएशंस ऑफ नगेट्स, बटर चिकन। सो अगर आप हमारा मेन्यू भी देखेंगे तो उसमें भी आपको बटर चिकन की वेरिएशन मिलेगी, नगेट्स मिलेगी। फिर लोकल कम्युनिटी को जहन में रखते हुए हमने इसमें कबाब की एक वेरिएशन डाली है, एग वेरिएशंस डाली हैं। सो एक नया प्रोडक्ट लेकर आए पेशावर के लिए, कॉस्ट इकोनॉमिकल है एंड मार्केट में आपको इस कॉस्टिंग पे नहीं मिलेगी। बाकी वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू इंट्रोड्यूस अ गुड थिंग हियर इन पेशावर। रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा आ रहा है एंड वी आर होपफुल कि हम इसकी नेक्स्ट ब्रांच हैदराबाद या वर्सर रोड पर कहीं इंट्रोड्यूस करा सकें। अच्छा, अगर आप इसकी लोकेशन बताना चाहें तो किस तरह आसान तरीका? लोकेशन सबसे आसान है इसकी, दरवेश मस्जिद वाली रोड के ऊपर है, पीएसओ पंप के बिल्कुल ऑपोजिट। सो दैट्स द इजीएस्ट लोकेशन सदर में। अच्छा, जो बंदा नहीं आ सकता उसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, हम इस वक्त फूड पांडा के ऊपर एक्टिव हैं। सो नियर बाई एरियाज वी आर कवरिंग टाउन हयातबाद वी आर कवरिंग टाउन एंड सदर एज वेल एज द कोहाट रोड एरिया। लाइक अच्छा, बिल्कुल पहले भी मैंने एक दफ़ा बच्चों को लेके आया था, तो अभी भी दोबारा आया हूँ इस वजह से कि माशाल्लाह टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और इन्जॉय कर रहे बच्चे, तो अल्लाह आपको कामयाब करे। लोगों को क्या कहेंगे कि आके चखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को एडवाइस है कि आ जाए, विज़िट कर ले एक दफ़ा, टेस्ट कर ले, फिर इंशाल्लाह आप दोबारा भी आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। okay.
क्लोज भी कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नई वीडियो के साथ नए मुकाम पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।